हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआई और ऑप्शनल के सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ यूनिट वन, मीनिंग एंड अप्रोचेस। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, थिंकर्स वगैरह भी हमने कुछ कुछ डिस्कस किए हैं। इसमें हम लोग जर्मिनो, वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जर्मिनो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जर्मिनो पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है हमेशा, मैं हर लेक्चर में बोलती आ रही हूँ कि पीएसआई और ऑप्शनल या कोई भी ऑप्शनल आप करते हो तो उसमें आपको दो चीज़ें अपने पास ज़रूर रखनी है, यूपीएससी का सिलेबस, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दोनों चीज़ें तो आपको रखनी ही है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस से आपको पता लगेगा कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, और पीवाईक्यू से आपको पता लगेगा उन टॉपिक्स के अंदर भी आपको कौन से टॉपिक्स की ज़्यादा वेटेज है, कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, और किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जर्मिनो के ऊपर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जर्मिनो का जो आइडिया था, ऑल इन ऑल मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका दे देती हूँ कि जर्मिनो बेसिकली कहते थे कि एक्सपेरिमेंटिंग से और चीज़ों को एक्सपीरियंस करने से पॉलिटिकल थ्योरी बनता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस ही है, और बिना पॉलिटिकल थ्योरी के पॉलिटिकल साइंस पॉसिबल नहीं है, है ना। तो उनका आइडिया पूरा यही था कि पॉलिटिकल थ्योरी विद टाइम एक्सपीरियंसेस से बनता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन पॉलिटिकल लाइफ में पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ता है, एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी बनता है। तो जर्मिनो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि पॉलिटिकल थ्योरी एक एक्सपीरियंशियल साइंस है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली एक्सपेरिमेंटल नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंशियल साइंस है, एक्सपीरियंस करते हो आप। तो वो एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करते हैं कि मान लो वर्ल्ड का एक ऑर्डर बनाना होता है, उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल्स लगते हैं। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो इस चीज़ से टेस्ट नहीं किए जाते कि आप जो है कौन सी आइडियोलॉजी अचीव कर रहे हो, अकम्प्लिश कर लेते हो, कि आपका जो पर्पस है उस आइडियोलॉजी को अकम्प्लिश करने का वो क्या है, बल्कि इससे भी नहीं की जाती है कि आपका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो उस कैपेसिटी पर भी ये नहीं की जाती है, कंसर्न नहीं है ये थ्योरी, बल्कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो इससे कंसर्न है कि ह्यूमन पॉलिटिकल लाइफ में आपका पार्टिसिपेशन कैसा रहता है। तो उसके चलते आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं उससे कंसर्न रहती है पॉलिटिकल थ्योरी। अब जर्मिनो के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी को कहते हैं सबसे अप्रोप्रिएट टर्म है, अगर हम ये मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो है वो जितने भी आपके इमीडिएट प्रैक्टिकल कंसर्न्स हैं या एक आपका सोसाइटल एग्जिस्टेंस है, उसको क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखना चाहते हो, सारी पॉसिबिलिटी को बियॉन्ड जाके अगर बात करें हम, तो उसको पॉलिटिकल थ्योरी एक अप्रोप्रिएट टर्म डेजिग्नेट की जाती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली अलग अलग आइडियाज अप्लाई करता है, कंसेप्ट्स हैं उसमें, अलग अलग थ्योरीज आती हैं जिससे हम पॉलिटिकल साइंस में इनकॉर्पोरेट करते हैं, और जिससे हम एनालिसिस कर पाते हैं, डिस्क्राइब कर पाते हैं कोई भी चीज़ को, एक्सप्लेनेशन कर पाते हैं, क्रिटिसिज्म कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेबाइन की थ्योरी भी पढ़ी थी, उसमें भी सेम चीज़ों के बारे में ही यहाँ पर बात की थी कि जब भी हम कोई भी थ्योरी लेते हैं या कोई भी आप पर्टिकुलर थ्योरी ले लो, उसमें दैट हैज़ टू हैज़ फैक्ट्स इन इट, है ना। तो वो फैक्ट्स पर बेस्ड होगी। तो बोला था ना, जैसे सबाइन के वर्ड्स में वो क्या था, हिस्टोरिकल फैक्चुअल बेस पर होगी, तो फैक्चुअल होगी। उसके बाद धीरे धीरे करके आप इसमें कोई तो आप उसका सर्कमस्टेंसेस आप फेस करोगे, ठीक है, कोई सर्कमस्टेंसेस आएंगे जब आप थ्योरी में डेवलप करोगे, और एंड में आपका कुछ तो कॉन्सिक्वेंस निकल के आएगा, मतलब कि कुछ वैल्यूज़ निकल के आएंगी, वैल्यूएशन। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस में क्या हो गया, कॉजल। तो फैक्चुअल, कॉजल और वैल्यूएशनल पे बात की थी। यहाँ पर भी सेम चीज़ के बारे में ही जर्मिनो ने बोला कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो अलग अलग आइडियाज़ देता है, कंसेप्ट्स देता है, थ्योरीज देता है। क्यों देता है, ताकि हम कोई भी चीज़ को एनालाइज कर सके, डिस्क्राइब कर सके, एक्सप्लेनेशन उसका दे सके, या क्रिटिसाइज़ कर सके। क्रिटिसिज्म जैसे जैसे होता है वैसे वैसे आपकी थ्योरीज़ जो हैं और पॉलिटिकल थ्योरीज डेवलप होती हैं, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज भी डेवलप होती हैं, और पॉलिटिकल थ्योरी का ग्रोथ होता है ऑल इन ऑल। और ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल साइंस में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। अब पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल साइंस ही थी इन द फुल सेंस, और क्योंकि साइंस के बिना कोई थ्योरी हो नहीं सकती है। ठीक है, तो थ्योरी जो है दैट इज़ आइदर द एक्टिविटी ऑफ थियोराइजिंग और द रिकॉर्डेड रिजल्ट्स ऑफ द थियोराइजिंग। तो ऑल इन ऑल अगर आप थ्योरी की बात करते हो, तो थ्योरी में आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी लेजिटिमेटली और एक्यूरेटली पॉलिटिकल साइंस का सिनोनिम की तरह ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये आपके जर्मिनो के पर्सपेक्टिव है, ऑल दो जर्मिनो के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अर्नेस्ट बाकर। अर्नेस्ट बाकर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए ये टॉपिक करना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही।
क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कौन सा आया है इसमें. 1991 में देखो एक क्वेश्चन आया था, पॉलिटिकल साइंस इज अ मास्टर साइंस, आर्किटेक्टोनिक इज इट्स कैरेक्टर फ्रॉम विच ऑल अदर पॉलिटिकल साइंसेज टेक देयर क्यू. अर्नेस्ट बाकर के शब्दों में ये बात की गई है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ेंगे. अब आप बोलोगे कि इसके लिए अगर हम कोई पर्टिकुलर बुक पढ़ जाएं, बुक आप रेफ़र कर सकते हो. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो इंपॉर्टेंट क्यों है. अगर आपको नहीं पता होता कि अर्नेस्ट बाकर के ऊपर कोई क्वेश्चन आया तो आप कैसे पता लगाते, सबसे पहली चीज़ तो कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कोई रैंडम थिंकर के ऊपर पूछा जा सकता है. अब अगर मान लो आपको पता लग भी गया कि अर्नेस्ट बाकर एक इंपॉर्टेंट थिंकर है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब अर्नेस्ट बाकर की पूरी आपको थिंकिंग पढ़नी पड़ेगी, वहाँ से क्या कोट उठा के पूछ ले वो हम आइडिया नहीं लगा सकते. तो उसके लिए बेस्ट यही रहता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो कि पुराना पूछा क्या हुआ है, ताकि उसी लाइंस पर हम लोग फिर आगे अपनी प्रिपरेशन करते हैं और उसी लाइंस पर हम लोग उस थिंकर के इर्द गिर्द उसने क्या बात की है उसमें हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब अर्नेस्ट बाकर जो है उनको बेसिकली प्लेटो और उनके प्रेडिसेसर्स जितने भी थे उनकी स्टडी के लिए ज़्यादा जाना जाता है. बट अगर आप देखोगे तो उनका जो पूरा स्टडी है वो ज़्यादातर एरिस्टोटल पर ही सेंटर्ड है, उसी के इर्द गिर्द घूमती है. तो उन्होंने ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ने की ज़्यादा कोशिश की थी, उन्होंने प्लेटो के बारे में और सारे थिंकर्स के बारे में भी लिखा था. ठीक है, टी एच ग्रीन को उन्होंने काफ़ी कंट्रास्ट किया था अपने कुछ वर्क्स में, कुछ उनसे कंपैरिजन किया था, जो भी टी एच ग्रीन की थिंकिंग थी उनसे कंट्रास्ट भी करते थे, कंपेयर भी किया था. तो अर्नेस्ट बाकर ऑल इन ऑल प्लेटो पर ज़्यादा फोकस करते थे, बाकी थिंकर्स पर भी उन्होंने उनकी स्टडी बेस्ड है. ठीक है, अर्नेस्ट बाकर एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को आर्किटेक्टोनिक कहा है. क्यों कहा है उसके कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं. सबसे पहला रीज़न है कि पॉलिटिकल साइंस वो कहते थे कि एक रूट है जिसमें से बाकी की जितनी भी प्रैक्टिकल साइंसेज होती हैं वो इमर्ज होती हैं. मतलब कि वो मानते थे कि पॉलिटिकल साइंस जो है ना बाकी के डिसिप्लिन्स के साथ भी ओवरलैप करती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो. मतलब पॉलिटिक्स भी आप पढ़ते हो ना, आप देखोगे हर एक एस्पेक्ट उसमें आता है. पॉलिटिक्स में आपकी इकोनॉमिक्स भी आता है ना, आप एंथ्रोपोलॉजी भी डिस्कस करते हो उसमें, सोशियोलॉजी भी डिस्कस करते हो, तो हर एक छोटा छोटा एस्पेक्ट है ना उसमें आता ही है. तो इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एक रूट है, एक बेस है जिसमें से बाकी जितनी भी प्रैक्टिकल साइंसेज हैं वो इमर्ज करती हैं. नेक्स्ट ये है कि जो स्टेट है वो बेसिकली एक बेसिस फॉर्म करती है कोई भी ऑर्डर्ड सोसाइटी का. ठीक है, तो स्टेट जो है वो मेन होती है जो कि पूरी एक सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन करती है. अब पॉलिटिकल साइंस सिंस पूरी स्टेट से कंसर्नड है, आइडिया ऑफ स्टेट से कंसर्नड है, इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस ऑल इन ऑल पूरे सोसाइटी से कंसर्न हो गई. ठीक है ना, मतलब कि स्टेट अगर एक पूरी सोसाइटी का ऑर्डर फॉर्म कर रही है तो पॉलिटिकल साइंस स्टेट से कंसर्नड है. अब पॉलिटिकल साइंस जो एक ऐसा ब्रॉड डिसिप्लिन माना जाता है जिसमें बहुत सारे जो अलग अलग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल फिलॉसफी, लॉ वगैरह जितने भी ये अलग अलग टॉपिक्स हैं या फील्ड्स हैं, तो ये सारे एरियाज़ कवर करती है, इंक्लूड करती है पॉलिटिकल साइंस. तो एक काफ़ी ब्रॉड डिसिप्लिन माना जाता है. साथ ही साथ ये एक्सप्लोर करती है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो है अपनी अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं एक ग्रुप सेटिंग के अंदर, और कैसे बहुत सारे लोग मिलके या बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन मिलके या रूल्स एंड रेगुलेशंस मिलके कोऑपरेशन प्रमोट कर सकते हैं. तो इंडिविजुअल्स अपनी पावर कैसे एक्सरसाइज करेंगे ग्रुप सेटिंग में, और इंस्टीट्यूशंस, रूल्स और प्रोसेसेस जो हैं उनको कैसे लागू किया जाएगा कि वो कोऑपरेशन भी प्रमोट करें. तो सिंस पॉलिटिकल साइंस का कैरेक्टर इतना ब्रॉड है कि वो और बाकी के डिसिप्लिन से भी ओवरलैप करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स से ओवरलैप करता है, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से, एंथ्रोपोलॉजी से, कम्युनिकेशन से, क्रिमिनल जस्टिस से, जितनी भी ब्रांचेज हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वो इसी पर ही डिपेंड करती हैं, पॉलिटिकल साइंस पर डिपेंड करती हैं. तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी का, और जो भी वर्ल्ड है हमारे आसपास इंटरनेशनली भी, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में है पॉलिटिकल साइंस. ये डिटरमाइन करता है कि एनवायरनमेंट कैसा होगा जिसमें हर एक इंसान जो अपनी लाइफ को उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा. तो एनवायरनमेंट का डिटरमिनेशन भी पॉलिटिकल साइंस पर बेस्ड है. अब ये यहाँ पर अर्नेस्ट बाकर सजेस्ट करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक मास्टर साइंस है. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है. जब पॉलिटिकल साइंस इतना ब्रॉड डिसिप्लिन है कि उसमें बाकी के डिसिप्लिन भी ओवरलैप करते हैं या इंक्लूड करते हैं,
जिसमें जितनी भी ब्रांचेज है ह्यूमन एक्टिविटी की वो भी डिपेंड करती है. तो जितने भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हो गए ह्यूमन लाइफ के वो भी तो इस पर डिपेंड करेंगे, है ना, वो भी इन्फ्लुएंस करेंगे कि मतलब कि व्हाट वी कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, या हम कहाँ रहेंगे, या हम क्या खा सकते हैं. तो ये हर एक एस्पेक्ट जो है ह्यूमन लाइफ का उसको इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल साइंस, वो एक मास्टर साइंस कहा गया है. तो यहाँ पर पॉलिटिक्स को आप एस्केप तो कर नहीं सकते हो, जबकि आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के अलग अलग और इफ़ेक्टिव वेज ज़रूर डिस्कवर कर सकते हो. तो पॉलिटिक्स जो है वो हमारी सोसाइटी और जो हमारा वर्ल्ड है अराउंड अस उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है. टू कंक्लूड इट, हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल साइंस की जो सिस्टमैटिक स्टडी है वो एक अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रोवाइड करती है कि कैसे पब्लिक डिसीजंस हम भी जानें, कि कैसे एक्सप्लोर करें, कैसे पब्लिक डिसीजंस और क्यों पब्लिक डिसीजंस जो हैं वो इन इशू पर लिए जाते हैं, जैसे हेल्थ केयर पर लिए जाते हैं या टैक्स पॉलिसी पर लिए जाते हैं या ह्यूमन राइट्स पर लिए जाते हैं. तो पब्लिक डिसीजंस इन सारे इश्यूज पर लिए जा रहे हैं, एनवायरनमेंट पर भी पब्लिक डिसीजंस लिए जा रहे हैं. तो पॉलिटिकल साइंस हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि हम ये जानें, एक्सप्लोर करें कि क्यों पब्लिक डिसीजंस इन सब चीज़ों पर लिए जा रहे हैं. और जो हमारा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है आज का, यहाँ पर देखा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जो अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी से इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, आपके लीगल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, इकोनॉमिकल सेंटिमेंट्स हैं, इन सब से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं. ऐसी सिचुएशंस आती है जिनमें हमें इन सब एस्पेक्ट्स में किसी ना किसी सिचुएशन में डील करना पड़ता है. तो पॉलिटिकल साइंस वो हमें हमें सिचुएशंस को मास्टर कर जाएँ वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इज़ ऑफ फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट. पॉलिटिकल साइंस जो एक आर्ट है, ताकि हम क्रिटिकल थिंकिंग और इवैल्यूएशन लर्न कर पाए. ठीक है, तो ये आपका अर्नेस्ट बाकर की थिंकिंग थी, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में हमने जॉन प्लेमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो ये भी सिंस जॉन प्लेमेंट्स पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसी वजह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे.